शिक्षा में सुधार को लेकर शासन और प्रशासन न केवल लगातार कोशिश कर रहा बल्कि स्कूल की चौखट तक बच्चों को पहुंचाने के लिए कई प्रयोग भी किए जा रहे हैं। लेकिन चतरा जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। स्कूलों की दशा सुधारने और बेहतर शिक्षा का दावा करते हुए सरकार हर साल करोड़ों रुपए सरकारी स्कूलों में खर्च करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत तमाम दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। आज हम ऐसे ही एक सरकारी स्कूल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। पहली नजर में यह आपको कबार खाना नजर आएगा, लेकिन आप गलत हैं। दरअसल ये चतरा जिले का जमुना उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, जहां बेतरतीब तरीके से बिखरे फर्नीचर और जर्जर विद्यालय भवन खुद अपनी बदहाली बयां कर रही है। विद्यालय भवन का हाल ऐसा है कि छत का प्लास्टर टूट कर गिरता रहता है, वहीं फर्नीचर की तो बात करना भी बेमानी है। हालात ऐसे हैं कि बच्चे खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर हैं। कट का रूम है, बहुत गर्मी लगता है। गर्मी के समय हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्कूल बढ़िया से बन जाए, क्योंकि स्कूल अच्छा से नहीं बना हुआ, नहीं ऐसे बैठने में दिक्कत होता है। हम लोग का स्कूल टूटा हुआ, पढ़ने में दिक्कत होता है। हम लोग को मास्टर एस्बेस्टर के रूम में बैठाते हैं, काफी गर्मी लगता है। स्कूल टूटा हुआ, आने में डर लगता है। स्कूल के कमरों की छत और दीवारें पूरी तरह से जर्जर हैं। भवन की छत और दीवारों में जगह जगह दरारें नजर आ रही हैं। भवन कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। स्थानीय लोगों का कहना है स्कूल की जर्जर हालात के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहा है। प्रबंधन समिति द्वारा 18-19 में विद्यालय मद से करकट का एक रूम बनाया हुआ है, उसी में आधा बच्चा जो है से उसमें क्लास लिया जाता है और कुछ बच्चा जो है से पेड़ के नीचे जो है से पढ़ाया जाता है। और विभाग को बहुत बार हम लोग लिखित भी सूचना दिए हैं और न्यूज भी चला है। डीएससी महोदय के द्वारा भी यहां जांच किया गया कि जल्द ही बनाया जाएगा, लेकिन इसके दरमियान में 6 महीना भी बीत गया, अभी तक भी इस पर कोई किसी तरह का भी किंतु परंतु अभी तक पता नहीं चलता है। इस जहाँ बिल्डिंग बनना चाहिए वहाँ नहीं बन पा रहा है। यहाँ बिल्डिंग नहीं, जर्जर स्थिति है, टूट टूट के भी गिर रहा है। कितना बच्चा बच गया है, हम लोग भी बचे हैं। जो गांव में स्कूल जो है से बहुत जर्जर है। यहाँ बच्चा को गरीब लेकर के हम लोग भेजते हैं और बहुत इतना जर्जर है कि कखनी गिर जाएगा सो कोई पता नहीं, और गिर भी रहा है, बहुत जर्जर है। यहाँ जहाँ बनने लायक है वहाँ स्कूल बन रहा है, आज जहाँ बनने लायक है वहाँ स्कूल नहीं बन रहा है। डर लगता है, जबरदस्ती मास्टर लोग कहता है कि भेजो। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही उपायुक्त ने इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि स्कूल की मरम्मत करने या फिर नए भवन बनाने को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। देखिए, आपके माध्यम से अभी हमको इसकी सूचना मिली है। हम बिल्डिंग डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डीएससी साहब को वहाँ पे ज्वाइंटली भेजेंगे और उसकी क्या स्थिति है उसका एनालिसिस करके, अगर वो कंडम घोषित करना है और वहाँ पे नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है तो तत्संबंधी प्रस्ताव हम भेज के हम लोग इंश्योर करेंगे कि आने वाले समय में वहाँ पे बच्चों को एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा भवन मिले। विद्यालयों पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि नौनिहालों का भविष्य संवारा जा सके। उम्मीद है जल्द सरकार इन समस्याओं पर अपनी नजरें इनायत करेंगे। समाचार प्लस के लिए चतरा से सूर्यकांत कमल की रिपोर्ट।